हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीनूज होम फूड। तो आज हम आ गए हैं अपने हिमाचल, अपने गांव में। तो मैं यहां पर मम्मी के घर में आई हूं, अपनी मम्मा के घर में। यहां पर रात को हमने 8 बजे के करीब प्लान किया कि कल हमें भल्ले खाने हैं। तो जब भी हम मम्मा के घर में आते हैं ना, तो हर बार मतलब मम्मी अपने यहाँ पर घर में आकर हमें ये भल्ले, ट्रेडिशनल डिशेज जितनी भी होती है वो खिलाती है। और भल्ले तो हम हर बार खाते हैं। इस बार भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो इसलिए अच्छे से प्लान नहीं हो पाया। बट रात हो चुकी थी 8 बजे के करीब, सबका मन किया कि कल भल्ले बनेंगे। लेकिन भल्ले बनाने के लिए ना एक स्पेशल दाल होती है जो कि नहीं थी, और मार्केट भी गाँव में मार्केट बहुत दूर थोड़ी सी दूर होती है, तो इसलिए वहाँ से लाना पॉसिबल नहीं था। और मम्मा ने क्या किया, साबुत दाल लेकर, उड़द की साबुत दाल को लेकर, चकोड़ू होता है गांव में अगर आपने सुना होगा, तो बस उस चकोड़ू में पीस कर दाल ये बना दी, भल्लों के लिए जो दाल होती है। और उसके बाद उसको अच्छे से भिगो कर रख दिया। तो पूरी रात भर उसको सो करके रखा और मॉर्निंग में इसे अच्छे से धो लिया है 4 से 5 बार। मैंने दोनों ही वीडियो स्किप कर दिया। रात को जब मम्मा ने इसे चकोड़ू में पीसा तब भी मैंने इसको स्किप कर दिया, सुबह जब इसको धो रहे थे तब भी मैंने इसे स्किप कर दिया। जस्ट अभी मैं यहाँ पर आई हूँ तो अभी मॉर्निंग के मतलब 6:30 हो रहे हैं। गांव में लोग बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भल्ले बनाने के लिए बैटर तैयार किया जा रहा है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये भल्लों का जो बैटर होता है मतलब बनाने के लिए, उसको बिल्कुल इसी तरह से पीसा जाता है। तो मैं तो दिल्ली में जब भल्ले बनाती हूँ तो मिक्सी में पीस कर भल्ले बनाती हूँ, इसे ईजी भी रहता है और ज़्यादा हमारा मतलब मेहनत भी नहीं लगती है। बट यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप से भल्ले बनते हैं। तो ये बैटर जो है मशीन में पीस हो रही है, अगली तैयारी। यहाँ पर हरा धनिया और लहसुन को अच्छे से काट लिया है, ये भी अपने खेतों में ही लगा हुआ है, क्यारियाँ जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए हैं। भल्ले का जो बैटर है ना, उड़द दाल को जब हम मतलब पीस रहे थे उसी टाइम इसमें लहसुन और ज़ीरा और हरी मिर्च वगैरह इसमें साथ में ही पीस ली थी। और गांव में ना एक भापरी होती है, वो भी डाली है इसमें, थोड़ा सा लौंग मसाला, पुदीना भी डाला है। तो सारी चीज़ें इसमें पहले ही उड़द दाल के साथ पीस ली थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले ऐड किए हैं, लाइक थोड़ी सी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़े से गरम मसाले डाले हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा बैटर है ये, और इसको अभी बिल्कुल फ्लफी बनाना है थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर, तब जो भल्ले होते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं, फूले फूले से बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इसको एक बिल्कुल फ्लफी मतलब उसमें लेकर आना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से भल्ले बने। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है ये, आप देख सकते हैं कितना सख्त है ये, लेकिन थोड़ी ही देर में, थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बहुत ही बढ़िया फ्लफी बन जाएगा। तो जब भी हम छुट्टियों में घर आते हैं ना, मम्मा हमेशा ये चीज़ें हमें खिलाती है और हम भी बनाते हैं चीज़ें, लेकिन बिल्कुल वैसी चीज़ें नहीं बनती हैं जैसे गांव में बनती है। तो भल्ले भी हम हर बार आते हैं साल में एक बार तो ज़रूर खाते हैं मम्मी के हाथों के भल्ले। तो ये देख सकते हैं आप, उस टाइम ये बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा था, काफ़ी हार्ड था, अभी बिल्कुल फ्लफी हो गया है ये, बिल्कुल बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो गया भल्ले बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा ना इसको चेक करने के लिए कि ये हो गया या नहीं, पानी में डालेंगे। अगर ये देखिए तैर रहा है, इसका मतलब बैटर बिल्कुल तैयार है। बस अभी इसको थोड़ा सा हम इकट्ठा कर लेंगे। मैंने भल्ले का वीडियो पहले भी शेयर किया है 2 साल पहले, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उस पर, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है वो। तो उसको मैंने मिक्सी में बनाया था, उसमें टाइम की बचत भी होती है और कोई झंझट भी नहीं होता है, बहुत ही इजी वे में मैंने वो तरीका बताया है। काफ़ी अच्छा चला है मेरा वीडियो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप नहीं देखा है तो ज़रूर देखना मेरे चैनल पर जाकर, भल्ले का वीडियो हिमाचली भल्लों के नाम से है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। सारे मसाले आप देख सकते हैं कितने बढ़िया, रेड ग्रीन सारी चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स मतलब डली हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा सा बैटर भल्ले बनाने के लिए अभी रेडी है। तो इसको अभी ढककर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक मम्मा यहाँ पे कुछ और प्रिपरेशन कर रही है। अब देखिए, नमक ना भल्लों में पहले नहीं डलता है,
यहाँ पर पानी ले लिया है और उसमें 3 से 4 चम्मच नमक के डालकर उसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी मम्मा भल्ले बनाना शुरू कर रही हैं। तो हमने बोला कि हमें चूल्हे पे बने हुए भल्ले खाने हैं, इसलिए मम्मा चूल्हे पे भल्ले बना रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भल्ले का बैटर बना हुआ है। तो पहले हमने थोड़े से भल्ले मम्मा ने चूल्हे पे बनाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि भल्लों के लिए जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा है, एक तवे पे बिल्कुल नहीं होने वाला था ये काम जल्दी से, इसलिए हमने क्या किया, गैस पे भी भल्ले बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद 3-3 तवे हमें रखने पड़े। तो यहाँ पर अभी मम्मा एक भल्ला बना रही है, चलिए देखते हैं। देखिए तवे पे तेल लगा दिया है, सरसों का तेल पहले इसमें लगाया है और उसके बाद ये देखिए बैटर को थोड़ा सा गोल गोल घुमा कर इसमें डाल दिया है। और यहाँ गांव में जब भी भल्ले बनाते हैं ना तो बीच में एक होल सा बना लेते हैं, और बिना होल के भल्ले यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो ये देखिए अब इसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी ऐसे इसको पकाएंगे, थोड़ा सा तेल पीछे इसमें लगाएंगे दोनों तरफ। तो अभी इस पे दूसरा भल्ला भी मम्मा डालने वाली है। सरसों के तेल में ये भल्ले बहुत अच्छे बनते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगाना पड़ता है। और कुछ लोग इन्हें फ्राई करके भी बनाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। हमने बचपन से यही वाले भल्ले खाए हैं और वैसे भी फ्राइड थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है कि ऑयली, तो इसमें बिल्कुल कम तेल लगता है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाने के बाद अब इस भल्ले को हम डाल देंगे पानी में, नमकीन पानी है ये, नमक इसमें मिला लिया है पहले ही। तो थोड़ी देर इसको रखेंगे पानी में ताकि नमक अच्छे से इसके अंदर चला जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये भल्ला टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही भल्ले बनते हैं, बिल्कुल नहीं टूटते हैं, कोई कोई टूट जाता है बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्यारा सा गुगू आ गया है किचन में और बहुत ही प्यार से ये देख रहा है कि दादी क्या कर रही है, एंड शी इज़ वेरी क्यूट और बहुत ही प्यार से हर चीज़ को देखती है। तो यहाँ पर एक भल्ला तो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गैस के ऊपर भी 2 तवे रखे हैं ताकि भल्ले जल्दी से बन जाए, क्योंकि इनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये हल्की हल्की गैस पे बनते हैं। अगर आप इसे फुल फ्लेम पे बनाते हैं तो भल्ले अच्छे से नहीं पकते हैं, जल जाते हैं बाहर से बट अंदर से कच्चे रहते हैं। तो पेशेंस के साथ इन्हें बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने भी 2 तवे रखकर यहाँ पर मामा की हेल्प की और ये भल्ले कुछ चूल्हे पे बने और कुछ यहाँ पर गैस चूल्हे पे बने। तो बस इस तरह से सारे भल्ले बनाकर तैयार कर लिए और उसके बाद हमने इन्हें राइस और घी के साथ, जो देसी घी बनता है ना घर में, उससे इन्हें सर्व किया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।